ड्रामा श्रेय इश्तेहाक के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे दुआ मुस्तजाब को छोड़ने का फैसला कर लेती है, जिस पर मुस्तजाब दुआ को रोकते हुए कहता है, दुआ प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। दुआ कहती है, नहीं मुस्तजाब, मुझे यकीन था आपकी मोहब्बत पर, लेकिन अब नहीं रहा। क्या तुम मेरी मोहब्बत को इस तरह रोंद कर चली जाओगी? आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? दुआ मुस्तजाब से कहती है, अगर आज मैं रुक गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने अब फैसला कर लिया है कि मैं तुम जैसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दुआ के समझाने के बाद भी मुस्तजाब इसी बात की जिद बांध लेता है कि वो किसी हाल में भी इस को कबूल नहीं कर पाएगा कि दुआ इस तरह उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए। मुस्तजाब रोते हुए दुआ से कहता है, दुआ जो कुछ तुम मुझे कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर मत जाओ। मुस्तजाब जब आपस के नजरिए और सोच में इस कदर फर्क हो तो साथ रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे यकीन था आपकी मोहब्बत पर, लेकिन ये यकीन आपने ही खत्म कर दिया। अब आप मुझे रोकने की कोशिश भी मत कीजिएगा। ये कहने के बाद दुआ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। मुस्तजाब चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है कि आखिर दुआ उसे इस तरह छोड़कर कैसे जा सकती है। हालांकि वो ये बात नहीं जानता कि मुस्तजाब के इस तरह के रवैये ने दुआ को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था। कहर मुस्तजाब ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ड्रामा श्रेय इश्तेहाक की आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।